हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टी स्टाइलिस्ट विद नीतू। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने लिए रिंग चूज कर सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड कहीं, वाइफ कहीं, या आपके वुड भी हैं वो कहीं हैं और आप कहीं हो, उस सिचुएशन में जो रिंग है ना वो हमेशा जो है गड़बड़ आ जाती है। मेरी शादी में भी ऐसा ही हुआ था कि मेरी जो इंगेजमेंट की रिंग है ना वो आज तक इस उंगली में ही आती है, इसमें नहीं आती है, वो इतनी ज़्यादा लूज़ है। और ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए भी, आपके लिए सही रिंग चूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी जो रिंग का साइज किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे बता सकते हैं दूसरे को कि भाई मुझे इस नंबर के रिंग आती है, आप मेरे लिए उसी नंबर की रिंग लेना। वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। शादियां तो होती ही रहती हैं और एंगेजमेंट होती रहती है, डेफिनेटली आपको रिंग की जरूरत पड़ेगी देने लेने में भी। तो चलिए मैं बिना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आपको अपने लिए रिंग सेलेक्ट करनी है। आपने एक स्ट्रिप काटनी है, जैसे ये स्ट्रिप है तो इसको हमें 1 सेंटीमीटर के जितना जो है इसे कट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर होता है, इतना हमें कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने पेपर कट कर लिया है। अब आपको जिस भी उंगली का साइज चाहिए वहाँ पर इस पेपर को इस तरीके से रखना है ऐसे, और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से पेपर को यहाँ पर रखा हुआ आपने, और इस तरीके से राउंड करेंगे, और जहाँ पर भी जो आपका मार्क आता है, जहाँ पे जैसे ये क्रॉस हो रहा है, यहाँ जहाँ पे ये जैसे आपका क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है मार्क किया है, अब इसको हम स्केल से नापेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 5। तो 5 = 5 साइज जो होगा वो होगा आपका। तो मेरा जो साइज है वो 5 आएगा इस उंगली में। सिमिलर उसी तरीके से अगर आपका जो साइज है वो 6 आ रहा है, जैसे इस तरीके से 6 आ रहा है, तो 6 साइज होगा आपका। तो बहुत ही ईजी है। चलिए अब जो थंब है उसका भी मैं नाप के आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे थंब है तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे रखा है, इसको इस तरीके से राउंड किया है, और क्रॉस कहाँ आ रहा है हमारा, तो क्रॉस हमारा यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से, यहाँ पर ये क्रॉस आ रहा है, इसको इस तरीके से मार्क किया। उसके बाद हम स्केल लेंगे और स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ 6। तो यहाँ पर अगर मेरे अंगूठे की नाप है तो यहाँ पर 6 साइज आएगा। तो आप ज्वेलर के पास जा सकते हैं, वहाँ पर आप उसको सिंपली कह सकते हैं कि मेरा साइज 6 है, 7 है, या जो भी आ रहा है वो आए। जैसे मेरे यहाँ का जो 5 साइज है, यहाँ का 6 साइज है। तो बहुत ही इजी तरीके से जो है आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है रिंग जब भी आप लेते हो, कि हमेशा हम लोग जो है ना वो एक साइज़ बड़ा ले लेते हैं, कि नहीं यार थोड़ी सी लूज़ होगी ना तो ठीक है। आपको हमेशा जो रिंग है ना वो अपनी साइज़ की ही लेनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि चलो हम इस फिंगर की ले लेते हैं, थोड़े मोटे होंगे तो फिर इस वाली फिंगर में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 19-20 का ही अंतर होता है। तो आप जो है रिंग हमेशा अपने साइज़ की लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। नहीं तो मेरी तरीके से आप हमेशा जो है ना अपनी एंगेजमेंट की रिंग इसी उंगली में पहनेंगे, इसमें नहीं पहन पाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे जो भी नए वीडियो हों वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। आप चाहें तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर वीडियोस भी डालती रहती हूँ और डेली अपडेट्स भी डालती रहती हूँ। तो आप चाहें तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सेफ गर्ल रिस्पेक्ट वुमन, इसी थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।